सबसे पहले ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पंचायती राय इंस्टीट्यूशन हो या हमारा अर्बन लोकल बॉडी का इंस्टीट्यूशन हो, हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे कुलीग्स हैं, हमारे भाई हैं, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और परमात्मा से यही अरदास की, दुआ की कि जो भी हमारे पुलिस के जवानों ने, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो ऑफिसर रैंक पे हो, जिन लोगों ने शहादत जो है जम्मू कश्मीर के लिए दी, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए दी, हिंदुस्तान के लिए दी, भारत के लिए दी, उन तमाम जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उनको हम लोगों ने नमन किया और ईश्वर से दुआ की, प्रार्थना की कि उनको अपने चरणों में जगह दे, क्योंकि 1873 में पुलिस जो है उसका नींव पत्थर जो है वो रखा गया था 1873 में, और 1873 के बाद ये सिलसिला जो है बादुस्तार जारी रहा। जब देश जो था हमारा भारत गुलाम भी था, तब भी पुलिस जो है वो अपना कार्य करती थी। उससे पहले जब जहां महाराजा गुलाब सिंह जी ने हमारे जम्मू कश्मीर का राज्य का जो है वो गठन किया, उसके बाद भी पुलिस का अपना कार्य जो है वो रहा और हमेशा पुलिस ने हमारे लोगों की सेवा करने का काम जो है वो किया है। और आज के वक्त इस वक्त डीजी हमारे दिलबाग सिंह जी हों, एडीजीपी हमारे मुकेश सिंह जी हों, जहाँ आईजी हमारे कश्मीर विजय कुमार जी हों, तमाम जितनी हायरार्की जो है पुलिस की है बहुत इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट हायरार्की इस वक्त हमें मिली है, बड़ा अच्छा कार्य जो है वो कर रहे हैं और तमाम लोगों ने जहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी और इसमें हम लोग भी शामिल हुए, जो हमारा एक दायित्व बनता था, फ़र्ज़ बनता था। हम तमाम साथियों ने भी, कॉरपोरेटर के साथी जो हमारे कॉरपोरेशन के साथी हैं, जम्मू के कॉरपोरेशन श्रीनगर और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तमाम हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और परमात्मा से यही दुआ की कि जो पुण्य आत्मा जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, जिन्होंने शहादत दी, उन पुण्य आत्मा को भगवान खुदा वाहेगुरु जी जे अपने चरणों में उनको जगह दें। और जितने भी जवान हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त काम कार्य कर रहे हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको हिम्मत दें और उन नौजवानों को सिपाही से लेके डीजी साहब तक उनको आशीर्वाद परमात्मा दे कि ऐसे ही जो है अच्छे तरीके से जो है वो कार्य जो है वो करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें।